बात है बेटा? थैंक गॉड आप आ गए। नहीं ऐसा क्या हो गया? पापा कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है और मुझे सब समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम है? साक्षी से पूछ लो। मुझे भी ये सब नहीं आ रहा, आप ही एक्सप्लेन कीजिए ना। तुम्हें भी नहीं आ रही है? तुम्हें भी नहीं आता? एक खुशी की बची ना मुझे फंसा के, खुद तो बच के निकल गई। आप तो हमेशा फंसते हैं। चलिए पहले सम। बेटा सम बाद में, मैं मम्मी से अभी फैसला करके आता हूँ। पापा बेटा, ये किसका है? पता नहीं। चलिए अब बहाना मत बनाइए, पहले सम। अरे बेटा मैं बहाने नहीं बना रहा हूं, अब सम बाद में, पहले ये पता लगाते ना किसका है ये। पापा। बेटा मैं यूं गया और फिर यूं आया। पापा हमें बुद्धू बना के चले गए, अभी सम कौन बताएगा हमें? बाल बाल बच्चे, आज बच्चों के सामने कच्चा चिट्ठा खुल जाता कि डैडी को दो दुनी चार भी नहीं आते मैथ्स के। ये खुशी ना, खुशी की बच्ची बहुत शैतान है, अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा के चली गई। अब तो मैं इसकी इसका क्या करूं? सुन, लड़के का नाम अनिल है, वो एनआरआई है कनाडा का। अगर ये तेरा रिश्ता पक्का हो गया ना तो मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा हो जाएगा। तू दुल्हन बन के कनाडा चली जाएगी और मैं पीछे पीछे तेरी आ जाऊंगी। मम्मा। मम्मा क्या? मैं वहां तेरी मदद ही करूंगी जैसे आप कर रही हूँ। पहले रिश्ता पक्का होने दो। अरे हो जाएगा, चिंता क्यों करती है? जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करती रहे, ठीक है? मिसेस खट्टर, यह है मेरी बेटी नताशा। और ये समोसे जरूर इन्होंने अपने हाथों से ही बनाए होंगे। बड़े मजाकी हैं आप। जा बेटा समोसे अनिल को दे। पता है आपको भाई साहब, ऐसे समोसे पूरे कनाडा में नहीं मिलेंगे आपको। हाँ ठीक कह रही हैं आप शीतल जी। अरे भाई समोसे खाने के लिए तो हमें कनाडा से हिंदुस्तान का टिकट कटाना पड़ता है। आओ बेटा मेरे पास बैठो। जा बेटा। अच्छा बेटा बताओ, शादी के बाद तुम क्या करना चाहती हो, जॉब या हाउसवाइफ बनोगी? अच्छा अनिल, कनाडा में तुम क्या करते हो? जी मैंने लिटरेचर में मास्टर्स किया है और अब राइटर बनने की इच्छा है। हाँ शीतल जी, अरे कनाडा में राइटर लाखों डॉलर कमाते हैं। अच्छा तो फिर ठीक है। ऐसी बात है, तुम इसे भी ले जाइए साथ, ये यहाँ बैठे बैठे रोज एक नई कहानी लिखती है। I don't mind, you have to give me permission. अरे अनिल बेटा, अगर नताशा से कोई बात करनी हो ना, प्लीज डोंट हेजिटेट, गो राइट अहेड। जी नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, इनकी परफॉर्मेंस तो मैं पहले स्टेज पर देख चुका हूँ इनके क्लब के एक फंक्शन में। आप कहाँ पर थे? जी अपने दोस्त के साथ आया हुआ था। अनिल ने तुम्हें चुपके चुपके वहां से देख लिया था और मुझे आके बता दिया। मिसेस गिल, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। मैं जानती थी कि इसे एनआरआई लड़का ही मिलेगा। इसकी तो आदत है, पहले बोलती है फिर बाद में सोचती है। शीतल मुंह तो मीठा कराओ इनका। लो भाई। रोशनी चलो। आप चाहिए? जी मैं नाम
यहाँ का मामला तो सुलझ गया है, अगर हमारी बात जो अधूरी रह गई है उसे पूरा करना है। संजना लड़के वाले आए हुए, can't you just wait? No, I can't. Let's go. ऐसे भी क्या जल्दी थी, बाहर लड़के वाले आए हुए हैं, तुम थोड़ा no, just stop it. बातें बनाना बंद करो, तुम अच्छी तरह से जानती हो क्या बात है। नहीं संजना, मैं नहीं जान। ओह, तो तुमने मुझे बुलाया है? हाँ, बोलो क्या बात है? देखो ये नाटक ना तुम घर वालों के सामने करना, हमारे सामने नहीं, समझी? कोमल कहाँ है? अच्छा, तो आप कोमल के बारे में पूछ रही हैं? कोमल कहाँ है रोशनी? इतनी भी क्या जल्दी है? बता देती हूँ, पहले सब ठीक ठाक तो। मेरी बेटी कहाँ है रोशनी? अरे रे रे, इतना गुस्सा, मैं तो डर ही गई। पता? देखो रोशनी, सीधे सीधे बताओ कोमल कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी ना कि छी। आपके मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप कोमल के बारे में जानना चाहती है ना? ठीक है, कोमल कल आ जाएगी मेरी बेटी बनके। रोशनी तो बस, अब अगर आपने कुछ भी कहा ना मेरे खिलाफ, तो मेरी बेटी कोमल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। भाभी, इस घर में तो वो मेरी बेटी बनकर ही आएगी ना, वरना आप सबको क्या जवाब देंगे? सोचिए, सोचिए भाभी। रोशनी ठहरो, कोमल मुझे आज ही चाहिए। आप ही ना बच्चों जैसी बातें करती हैं। भाभी बाहर लड़के वाले आए हुए हैं, मुझे कितना काम करना है। वैसे भी आजकल घर के सभी लोग मुझ पर ही भरोसा करते हैं सब काम के लिए। भाभी मुझे जाना है, आपकी कोमल आ जाएगी। रोशनी, कोमल मुझे आज ही चाहिए, अगर तुम उसे लेने नहीं जा सकती तो मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं ले आऊंगी उसे। भाभी मैंने आपसे कहा ना। रोशनी, कोमल मुझे आज ही चाहिए, अभी इसी वक्त। ठीक है, लेजी बॉय स्मार्ट गर्ल स्टैचू। अभी आपको पनिशमेंट। कोमल 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 कोमल, तुम्हें कहाँ ढूंढू, कहाँ चली गई हो तुम? मम्मी मैं तो यहाँ हूँ। यहाँ ये कोमल कोमल, ये तो कोमल नहीं हो सकती है। कोमल कहाँ हो तुम? कोमल कहाँ? कोमल कोमल कोमल
आगे से स्ट्रेट लेफ्ट और फिर राइट ठीक है वेरी स्वीट यू आर थैंक गॉड आप आ गई वरना मैं तो मेरा दिल तो बार बार ही कहता था मैंने ही अपने दिल की बात नहीं मानी आंटी भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी बच्ची लौटा दी मुझे मगर आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ एक बहुत लंबी कहानी है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी बस तुम मुझे मिल गई हो ना आप मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम यहाँ कब से हो दो दिन से वो मामा रोशनी आप उसे जानती हैं उसने मुझे यहाँ दो दिन से जानवरों की तरह बांध कर रखा और दिन में बस दो बार खाना खाने के लिए खोलती थी हॉस्टल भी नहीं जाने दिया मुझे और बस बेटा बस अब मैं आ गई हूँ ना सब ठीक हो जाएगा मगर आपने मुझे ढूंढा कैसे परसों लग गए तुम्हें ढूंढने में अब तुम मिली हो ना तो तुम्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी मैं तुम नहीं जानती बरसों बाद मेरी ये तलाश खत्म हुई है कैसी तलाश मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी अभी चलते हैं यहाँ से हाँ हरियाणा कहाँ मेरे घर वहां तुम बिल्कुल महफूज रहोगी हुँ? ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ ये घर
तुम बहुत थकी हुई हो, अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? कमरा उस तरफ है, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। हाँ, मगर तब तक तुम किसी से भी कोई बात मत करना, जस्ट रिमेम्बर दैट। ये आ गई तुम, सब कुछ समझा दिया है ना इसे? हाँ, गुड। ये है तुम्हारा नया घर, कैसा लगा? अच्छा, तो ये है वो जिसका जिक्र तुम कर रही थी? हाँ, यही है। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मम्मा नाम पूछ रही हैं। कविता। एक्चुअली दरअसल बहुत थकी हुई है ना, तुम अंदर जाकर आराम करो। हाँ, हेलो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कविता, मैंने कहा ना तुमसे, मैं बाद में सब समझा दूंगी तुम्हें, अभी तुम अंदर जाओ। हाँ बेटा, यहाँ से सीधा जाओगी ना तो राइट साइड में लास्ट रूम मेरा ही है, उसमें अटैच बाथरूम भी है, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। मल्लिका आंटी, आपका कमरा कहाँ है? वो सामने वाला, तुम जाओ, मैं आती हूँ। श्रुति, ये तुम्हें मल्लिका आंटी करके क्यों पुकारती? वो एक्चुअली ये मेरा नाम मल्लिका ही जानती है, मगर धीरे धीरे सब जान जाएगी। जितनी जल्दी जान जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि तभी तो इस घर में घुल मिल सकती है ना रोशनी? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी, वैसे आप भी क्यों नहीं फ्रेश हो जाती? बहुत थकी थकी लग रही हैं। मामा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, जब कविता को पता चलेगा कि मैं ही श्रुति हूं, तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी, क्योंकि रोशनी ने उसके दिल में मेरे लिए कूट कूट कर नफरत भर दी है। मुझे उसकी नफरत को प्यार में बदलना होगा, उसे सब कुछ बताना होगा, मगर